मैं सचिन सोनकर आपका स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। मित्रों, मैथ पढ़ने के लिए आप तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम आपके सामने एक बार फिर उपस्थित हुए संख्या पद्धति का एक नया टॉपिक लेके। टॉपिक क्या है? स्थानीय मान और जातीय मान निकालना। इसमें देखिए, क्वेश्चन तो आते हैं, लेकिन क्वेश्चन एग्जाम में गलत हो जाते हैं। गलत क्यों होते हैं? क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन का जो लेवल होता है थोड़ा हाई होता है, और इसलिए क्वेश्चन एग्जाम में गलत हो जाते हैं। तो आज इसमें जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, सारे टाइप के क्वेश्चन हम कवर करवाएंगे। बस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिएगा। तो देखिए, यहाँ पे बात करते हैं कि क्वेश्चन किस टाइप के बनते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि स्थानीय मान और जातीय मान में अंतर क्या है, यानी स्थानीय मान और जातीय मान में अंतर क्या है। तो देखिए, स्थानीय मान जो होता है, यानी स्थानीय मान, देखिए एग्जाम्पल एक दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए ये कोई पत्थर है, ये रोड के किनारे पड़ा हुआ है, यानी पत्थर रोड के किनारे पड़ा हुआ है, तो इसकी जाति क्या है? कि क्या जाति है? पत्थर की। और इसी पत्थर को हम ले जाके अगर एक मंदिर में रख दे रहे हैं, यानी मंदिर में रख दे रहे हैं, तो देखिए यहां से स्थान यहां था तो इसको हम पत्थर कहते थे, लेकिन जब हमने ले जाके मंदिर में रख दिया तो इसको हम लोग क्या मानने लगे? भगवान मानने लगे। यानी स्थान परिवर्तन हुआ तो इसका देखिए भाव बढ़ गया। भाव बढ़ गया कि नहीं? बढ़ गया। लेकिन इसकी जाति में कोई परिवर्तन हुआ? नहीं हुआ, क्योंकि यहां भी पत्थर था। जब वो रोड के किनारे पड़ा हुआ था तो भी पत्थर था, और जो यहां पे मंदिर में है तो भी क्या है? पत्थर है। यानी इसकी जाति में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, बल्कि स्थान जब परिवर्तन हो रहा है तो इसका भाव बढ़ रहा है। कहने का मतलब यही है, दोनों में साफ अंतर यही है कि स्थानीय मान में हमेशा परिवर्तन होता है और जातीय मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। दोस्तों देखिए, जातीय मान को आंकिक मान भी कहते हैं, तो बिल्कुल आप लोग कंफ्यूज ना होइएगा। स्थानीय मान में परिवर्तन होता है और जातीय मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। एक छोटा सा क्वेश्चन यहाँ पे ये बना सकता है कि निम्नलिखित में से किस मान में परिवर्तन होता है। ऑप्शन दे देगा, स्थानीय मान में परिवर्तन होता है, दूसरा ऑप्शन दे दिया जातीय मान में परिवर्तन होता है, तीसरा ऑप्शन दे दिया दोनों मान में परिवर्तन होता है, और चौथा ऑप्शन दे दिया इनमें से कोई नहीं। तो आप क्या बता के आएंगे? स्थानीय मान में परिवर्तन होता है। अब बात आते हैं, स्थानीय मान निकालते कैसे हैं? स्थानीय मान निकालते कैसे हैं? तो जैसे हमने यहां पर आपके सामने संख्या लिख दिया 1, 2, 3, 4। अब यहां से बात करते हैं कि 4 का स्थानीय मान क्या होगा। तो 4 का स्थानीय मान, यानी जिस अंक की बात करेगा, सबसे पहले वो अंक आप लिख दीजिए, यानी 4 का स्थानीय मान तो क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अगर कहेगा 3 का स्थानीय मान क्या होगा, तो पहले हमने अंक लिख लिया। अब इसके बाद देखिए, एक संख्या है तो यहां पे क्या बढ़ा दीजिए? 1, 0। यानी 3 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा। दोस्तों अगर पूछेगा 2 का स्थानीय मान क्या होगा, तो 2 हम पहले लिख लेते हैं, इसके बाद 2 संख्या है तो 2, 0 बढ़ा दीजिए, यानी 2 का स्थानीय मान 200 हो जाएगा। अगर 1 का कहेगा 1 का स्थानीय मान होगा, तो 1 आप लिख लीजिए, इसके आगे कितना 0 बढ़ाएंगे? 1, 2, 3, यानी 1, 2, 3, 1 का स्थानीय मान कितना आ जाएगा? 1000 हो जाएगा। देखिए बहुत ही आसान टॉपिक है, यहां से आपको क्लियर एक चीज हो गई होगी कि जिस संख्या का पूछेगा पहले वो संख्या हम लिख लेंगे, उसके आगे जितनी संख्या रहेंगी उतना 0 बढ़ा देंगे, तो स्थानीय मान आपका आ जाएगा। अब बात करते हैं कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनाता है, तो अब उसकी बात हम करते हैं। अब देखिए, हमने आपके सामने दो क्वेश्चन लिखा हुआ। पहला क्वेश्चन क्या है? देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, लेकिन और भी कठिन क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, लेकिन आपको देखिए पहले बेस पकड़ा रहे हैं। आप बेस पकड़ लीजिए, यानी आप पहले हंडिल तो पकड़ना जानिए, उसके बाद गाड़ी तो उड़ाएंगे हम आपके साथ। यानी यहां पर क्या कह रहा है कि 6 का स्थानीय मान होगा, यानी 56, 54 में 6 का स्थानीय मान होगा। तो यहां पे देखिए 6 कहां पे है, यानी यहां पे है, तो 6 का पूछ रहा, पहले हम 6 लिख देते हैं, उसके बाद क्या है? 2 संख्या है तो 2, 0 बढ़ा दी, यानी 6 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा? 600। यही आपका आंसर हो जाएगा। अगर ये क्वेश्चन बनाया 24, 42 में 2 के स्थानीय मानों का योगफल होगा, अब देखिए यहां पे थोड़ा प्रॉब्लम होगा। प्रॉब्लम क्या होगा? क्योंकि यहां पे 2 जो है हमको 2 बार दिखाई दे रहा है,
हमने आपको पहले ही बताया कि स्थान जैसे जहां पे स्थान रहेगा उसका भाव उतना ही बढ़ा रहेगा। तो यहाँ पे ये दो यहाँ पे है तो इस दो का स्थानीय मान सिर्फ क्या होगा, दो होगा, लेकिन इस दो का स्थानीय मान क्या हो जाएगा दोस्तों, दो लिख दिया, दो के आगे कितनी संख्या, एक दो तीन, तो तीन जीरो हो जाएगा। अब कह रहा दो के स्थानीय मानों का योगफल, तो इस वाले दो का स्थानीय मान दो आया और इस वाले दो का स्थानीय मान 2000 आया, तो दोनों को प्लस कर देंगे क्योंकि योगफल की बात कर रहा है, तो क्या आ जाएगा 2002, यही आपका क्या आ जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, एक एक पॉइंट अभी आपका क्लियर कराते चलेंगे। ये देखिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आता है इस चैप्टर से, क्योंकि आपके एग्जाम में कई बार इस टॉपिक से क्वेश्चन आ चुके हैं, तो ध्यान से पढ़िए और वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। अब आइए अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन की बात करते हैं, दो क्वेश्चन और देख लेते हैं, इसके बाद हम दशमलव पे आते हैं, जो आपके एग्जाम में दशमलव वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है 85627 में 6 तथा 5 के स्थानीय मानों का योगफल होगा। आपसे अब की बार दो संख्या दिया हुआ, एक क्या दिया हुआ है 6 और दूसरा क्या दिया हुआ है 5, दोनों के स्थानीय मान का योगफल पूछ रहा है। तो दोस्तों 6 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 6 है, 6 के आगे दो संख्या, तो 2 0, यानी 6 का स्थानीय मान कितना आ गया 600, और 5 का स्थानीय मान कितना आ जाएगा 5 है, और इसके आगे तीन संख्या है, तो 3 0, यानी 6 का स्थानीय मान 6 आ गया, 5 का स्थानीय मान 5000 आ गया, दोनों का योगफल कह रहा है, तो 5000 में 600 जोड़ दीजिए, आपका कितना आ जाएगा 5600, यानी 5600 आपका क्या आ जाएगा योगफल, और यही आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। इसमें देखिए आपको बिल्कुल आराम से करने की जरूरत है, कोई टेंशन ना लीजिए, क्वेश्चन बहुत ही आसान रहते हैं। अब देखिए यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन हमने क्या लिखा हुआ है, 73 54 28 में 5 के स्थानीय मान तथा आंकिक मान का अंतर। हमने आपको पहले ही बताया है जातीय मान को ही क्या कहते हैं, आंकिक मान कहते हैं, और जातीय मान में देखिए कोई परिवर्तन नहीं होगा, जो अंक रहेगा वही उसकी जाति होगी। तो यहाँ पे 5 के स्थानीय मान और जातीय मान की बात करा, तो सबसे पहले 5 का स्थानीय मान निकाल लेते हैं, क्या निकाल लेते हैं 5 का स्थानीय मान, तो 5 का स्थानीय मान कितना आ जाएगा, इसके आगे तीन संख्या है, तो 3 0 आ गया। अब 5 का आंकिक मान कितना होगा, 5 है, इसकी जाति 5 ही होगी, तो 5 का आंकिक मान कितना हो जाएगा, केवल 5 ही हो जाएगा। आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मान का अंतर, तो अंतर की जब बात करेगा तो दोनों को हम क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो 5000 में से क्या करिए 5 को माइनस कर दीजिए, तो यहां पे ये हासिल देगा 10 में से 5 गया 5, यहां भी 9, यहां भी 9, और यहां पे 4, यानी 4995, यही आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन, तो देखिए ये आपके जो थे ये सीधा सीधा बना रहा था, यानी इसमें आपके दशमलव का कोई लफड़ा नहीं था, लेकिन एग्जामिनर जो क्वेश्चन इस समय ट्रेंड में है वो आपके दशमलव वाले बन रहे हैं, तो आप बिल्कुल परेशान ना होइए। अब हम आते हैं दशमलव वाले क्वेश्चन पे, और वो भी देखिए बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाएंगे, ताकि आपका यहाँ से अब की बार एक नंबर पक्का हो जाएगा, आपको कहीं पर और भटकने की जरूरत बिल्कुल नहीं। मंजिलें उन्हें नहीं मिलती जिनके ख्वाब बड़े होते हैं, मंजिलें उन्हें नहीं मिलती जिनके ख्वाब बड़े होते हैं, मंजिलें उन्हें मिलती हैं जो जिद पर अड़े होते हैं। अब आइए इस क्वेश्चन को हम देखते हैं, क्या कह रहा, 0.123 में 1 का स्थानीय मान होगा। देखिए बवाल यहीं पे पैदा किया हुआ, क्या लगा दिया, दशमलव लगा दिया, लेकिन आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। अब देखिए यहाँ पे जब दशमलव लगेगा तो हम इधर से आएंगे, किधर से आएंगे, इधर से आएंगे, और ये दशमलव पे आके हम क्या करेंगे, रुक जाएंगे, क्या हो जाएंगे, यहीं पे आके रुक जाएंगे। ये दशमलव यानी आपका ब्रेकर का काम करेगा, किसका काम करेगा, ब्रेकर का। एक का अगर देखिए यहाँ पे पहले हम बताते हैं, अगर 3 का स्थानीय मान पूछता तो हम 3 लिख दिए, इसके आगे कितनी संख्या है, 2 संख्या, तो 2 0 बना दीजिए, इसके बाद क्या बना दीजिए, दशमलव बना दीजिए, यानी 3 का स्थानीय मान आ गया दशमलव 0 0
तीन। अगर दो का पूछता तो हम दो लिख देते, इसके आगे एक संख्या आए तो एक जीरो बढ़ाइए, इसके पहले क्या है दशमलव, यानी दो का स्थानीय मान क्या हो जाता दशमलव जीरो दो हो जाता। एक का पूछ रहा है तो एक हम लिख रहे हैं, इसके आगे कोई संख्या नहीं है केवल क्या है दशमलव, तो हम क्या लगा देते हैं दशमलव, यानी एक का स्थानीय मान क्या हो जाएगा दशमलव एक। अब देखिए ऑप्शन में अगर ये रहेगा तो बहुत अच्छी बात है, अगर ये नहीं रहेगा तो क्या रहेगा, देखिए ये रहेगा। दशमलव के बाद कितने अंक हैं, तीन अंक हैं, तो इसको यहाँ हम लिख सकते हैं तीन बटा एक हजार। अगर दशमलव के बाद तीन अंक रहेंगे तो यहाँ पे कितना जीरो बनेगा, तीन जीरो। अगर दशमलव के बाद दो अंक रहेंगे तो इसमें देखिए अगर ऑप्शन और एक बनाएगा तो दो बटा क्या बना सकता है सौ, क्योंकि दशमलव के बाद कितने अंक हैं दो अंक हैं, तो आपके कितने जीरो रहेंगे दो जीरो रहेंगे। इसका अगर बनाएगा एक ऑप्शन और तो क्या कहेगा एक बटा दस कहेगा। देखिए क्वेश्चन बहुत ही आसान है दशमलव वाला भी, तो उम्मीद करते हैं कि ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अभी दो तीन क्वेश्चन देखिए हम और करवाते हैं ताकि आपको अगर कोई भी डाउट होगा तो सारे डाउट अभी आपको क्लियर हो जाएंगे। लेकिन एक बात कहते हैं कि दोस्तों हम यहाँ पे इतना मेहनत कर रहे हैं, आप भी थोड़ा सा काम कर दीजिए, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर अच्छे से समझ में आ रहा है तो लाइक का बटन दबा दीजिए, और अपने मित्रों के पास वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि वे भी जो कोचिंग नहीं जा पा रहे हैं या किसी कारणवश घर पे हैं तो वे भी अच्छे तरीके से आपकी बार टेट की तैयारी कर सकें और यहाँ से एक नंबर पक्का ले सकें। इसी के साथ अब आइए दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। अब देखिए दोस्तों हमने आपके सामने तीन क्वेश्चन लिखा हुआ, वो भी बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप ध्यान से इसको एक बार फिर समझिए। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, 0.00567 में पांच का स्थानीय मान होगा, तो पांच का स्थानीय मान निकालना है और यहाँ पे दशमलव लगा है तो पांच आपका है कहाँ पे, पहले ये देखिए कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो यहाँ पे दशमलव लगा है तो हमको दशमलव की तरफ आना है, तो दशमलव के पहले देखिए दो जीरो है, तो यानी यहाँ पे पांच का स्थानीय मान क्या हो जाएगा पांच दो और जीरो यानी दशमलव। ये ऑप्शन में नहीं है तो ऑप्शन में क्या है ये है, तो इसको हमको बदलने के लिए या फिर क्या लिख सकते हैं पांच बटा। अब देखिए यहाँ पे गलती बहुत ही ज्यादा होती है, दशमलव के बाद तीन संख्या है तो आप क्या बढ़ाएंगे तीन जीरो यानी पांच बटा एक हजार, यही आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इस क्वेश्चन की बात करते हैं, 0.0379 में तीन का स्थानीय मान होगा, तो यहाँ पे तीन कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो हम इधर आ रहे हैं तो दशमलव जीरो तीन, ये ऑप्शन मिल में मिल जाएगा तो बहुत अच्छी बात है। अगर ये नहीं मिला तो आप इसको भिन्न में बदल लीजिए, तीन बटा क्या हो जाएगा सौ हो जाएगा। दोस्तों ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, तो उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे समझ में आ रहे होंगे। इस क्वेश्चन की बात अब कर लेते हैं, 3.6857 में आठ का स्थानीय मान होगा, यानी किसका स्थानीय मान होगा आठ का, लेकिन परेशानी वाली बात ये आ गई कि आगे दशमलव के पहले तीन लगा दिया तो हमको दशमलव तक ही जाना है। हमने आपसे पहले बताया दशमलव आपका ब्रेकर का काम करेगा, ब्रेकर का मतलब क्या होता है आप कितनी भी स्पीड से जा रहे हैं लेकिन वहां पे आपको क्या होना होता है रुकना होता है, तो यहां भी हमको यहां पे आना है लेकिन यहीं पे क्या करना है रुक जाना है दोस्तों। तो आठ का स्थानीय मान पूछ रहा, हमने आठ लिखा, इसके आगे एक संख्या तो एक जीरो यानी दशमलव, दशमलव जीरो आठ, या फिर ये कह सकता है कि आठ बटा सौ, ये ऑप्शन में रहेगा। अगर ये भी नहीं रहेगा तो क्या कर देगा, इसको काट देगा, यानी काटने के बाद क्या बना देगा चार दुना आठ और ये पच्चीस यानी दो बटा पच्चीस बना देगा। लेकिन ये ऑप्शन में अभी तक हमने यहाँ पे नहीं देखा है कि ऑप्शन में ये मिले, ऑप्शन में ये मिलेगा या फिर ये मिलेगा, अगर बहुत ही ज़्यादा कंडीशन ख़राब हो जाएगी तो ऑप्शन में ये भी मिल सकता है, लेकिन यहीं तक आपका क्वेश्चन ऑप्शन में अभी तक हमने देखा है। तो यहाँ तक आपने सीख लिया, यानी इस टाइप के देखिए क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आएंगे तो आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक क्वेश्चन देखिए इस पर और बता देते हैं, जैसे आपका यहाँ पर ये लिख दिया 3.578 में 3 तथा
देखिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। तीन तथा आठ के स्थानीय मानों का योगफल होगा। तीन तथा आठ के स्थानीय मानों का योगफल होगा। दोस्तों बहुत ही ध्यान से देखिए। अब देखिए हमको यहाँ पे थोड़ी कठिनाई हो सकती है, लेकिन आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। पहले देखिए तीन का स्थानीय मान निकालते हैं, तो तीन का स्थानीय मान हमको इधर जाना है, लेकिन दशमलव में हमको रुकना है। जब हम इधर जाते थे तो आगे वाली जितनी संख्या रहती थी उतना क्या लगाते थे, जीरो। तो तीन का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा, क्योंकि पहले इसके पहले कितनी संख्या, एक ही संख्या। अब इतनी तीन का स्थानीय मान 30 आ गया, लेकिन आठ का भी तो पूछ रहा है, तो आठ को हमको इधर आना होगा, यानी दशमलव की तरफ आपको जाना होगा। इधर से जा रहे हैं तो भी दशमलव पे रुक रहे हैं, और इधर से आएंगे तो भी दशमलव पे रुकेंगे। आठ का स्थानीय मान क्या हो जाएगा दोस्तों, 0.8, यानी 0.08। लेकिन आपसे क्या पूछ रहा है, दोनों मानों का योगफल, तो 30 प्लस क्या कर दीजिए, 0.08, तो आपका क्या आ जाएगा, 30.08, यही आपका क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। यानी क्वेश्चन देखिए आपसे अगर तोड़ मरोड़ के बनाएगा तो भी आप गलत करके अब नहीं आएंगे। दोस्तों यहाँ पे देखिए हमने ये तीन चार क्वेश्चन बनाए, और यहाँ पे देखिए तीन टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में स्थानीय और जातीय मान से आते हैं, तो आप बिल्कुल अब कंफ्यूज ना होइएगा। अगर समझ में नहीं आएगा तो एक बार वीडियो को और देख लीजिएगा, तो वहां से सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। अगर आपको नोट्स बनाना होगा तो इसका नोट्स भी आप बना सकते हैं। और एक जानकारी आपको दे दें, इस हमारे ऑनलाइन इंस्टीट्यूट लक्ष्य लर्निंग 100 पे यूपी टेट सुपर टेट की स्पेशल नोट्स उपलब्ध है। अगर आपको नोट्स चाहिए तो नोट्स आपको दो फॉर्म में मिल सकते हैं, हार्ड कॉपी या फिर पीडीएफ नोट्स। अगर आपको जिस भी प्रकार से नोट्स चाहिए, नोट्स लेने के लिए नीचे जो स्क्रॉलिंग में नंबर चल रहे हैं उस पर आप व्हाट्सएप करिए या फिर कॉल करके आप नोट्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आज का ये टॉपिक बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आया होगा। फिर अगले टॉपिक में हम बहुत ही जल्द मिलते हैं। नमस्कार, मुस्कुराते रहिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, ताकि अब की बार यूपी टेट पार हो जाए। धन्यवाद।